नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उत्तरमुखी घर में लॉन, जो बगीचा बनाते घर में, वो किस तरह बनाना चाहिए, उस बनाते किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपका घर कंपाउंड वाल है, ये घर बना हुआ है, ये घर छोटा बड़ा भी हो सकता है, ये बिल्कुल चिपक के बना हो, सिर्फ ऊपर नॉर्थ में जगह हो आपकी लॉन बनाने के लिए, इतना बड़ा हो कि ईस्ट में भी जगह हो या चारों तरफ जगह हो। पर ऐसे घर में जब उत्तरमुखी घर हो तो अब आपके जो अंदर आने का जो रास्ता रहेगा तो यहीं रहेगा। नॉर्थ यदि वास्तु से घर बनाएं और वास्तु की अपन बात कर रहे हैं तो आपको अपना घर का जो इंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट में ही रखना होगी, ताकि अपनी गाड़ी ला के यहाँ खड़ी कर सकें या यहाँ ला के यूँ खड़ी कर सकें। यदि यहाँ जगह नहीं है तो आपने यूँ बना लिया। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि आप जब ये बनाते तो कई बार हम क्या करते हैं कि जगह पक्का कर देते हैं, पेवर लगा देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं या पत्थर लगा देते हैं, तो इतना करके बाकी जगह पर यानी यहाँ पर थोड़ी जगह रख दी, यहाँ पर इधर हम जो लॉन बना देते हैं, ठीक है। अब ये जगह जो है ये ठोस हो गई, पक्की हो गई, इससे तो बैठना नहीं है, और आपने यहाँ लॉन बनाया तो क्या होगा कि ईशान कोण जो है ये रहेगा, और ये आपने कई बार नीचा बना देते लोग इसलिए कि इसका पानी बहके यहाँ ना आए, 2-3 इंच नीचा कर देते हैं, ठीक। अब इससे ईशान कोण ऊंचा हो जाता है, इससे एक वास्तु दोष आ जाता है ईशान कोण के ऊंचा होने का, इसके कारण घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। तो ध्यान रखिए, जब आपका उत्तरमुखी घर है और आप ये लॉन बनाते हैं आगे की तरफ फ्रंट में, तो आपका इसका फ्लोर लेवल, यहाँ का जो मिट्टी का लेवल है ज़मीन का, वो इसके बराबर होना चाहिए। हम जब पानी डालते हैं उसमें तो उसका पानी बह के इधर ना आए, ठीक है ना। तो वो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जैसे ये आपका लॉन है इतने में और ये पक्का फर्श बना हुआ है, ये यहाँ तक लॉन है और ये पक्का बना हुआ आपका, तो आपको इसमें यहाँ पर जहाँ ऐसा हो वहाँ पर आप ईंटें लगा दीजिए, कुछ भी इस तरह कर दीजिए, मिट्टी इधर आए ना, पर आपको यहाँ का जो लेवल है ज़मीन का वो इसके बराबर करना है। ईशान कोण ऊंचा नहीं होना चाहिए। एक हाँ, यदि आपके आगे जो है अपन थोड़ी क्यारी बना के अपन पौधे लगाते हैं, तो पौधे लगाने के थोड़ा सा 1-2 फीट का जो होती है क्यारी, तो उसमें जो है वो 2-4 इंच लोग नीचे कर देते हैं, उत्तर दिशा में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये ध्यान रखिए कि यहाँ बना लगाते वक्त जो पौधे लगाएंगे, पौधे होना चाहिए, झाड़ नहीं होना चाहिए, वृक्ष नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा कभी वृक्ष बड़े नहीं लगाना चाहिए। क्यों? किस ये जो है सूर्य की किरणों को रोकते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आज तो पता नहीं लगता, जब जो झाड़ बड़े हो जाते हैं तो परिवार में रहने वालों को बहुत दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो भी झाड़ लगाएं घर के अंदर या घर के बाहर भी जो हो, तो कोशिश करिए वो आपकी कंपाउंड वाल के आसपास ही रहे, से ऊपर ज़्यादा ना जाए। आपका यदि बड़ा मकान है, आपका काफ़ी जगह है, तो बड़े झाड़ लगाने की जगह ये साउथ वेस्ट है, यहाँ से स्टार्ट करिए या इधर इधर स्टार्ट करिए, इधर और इधर लगा सकते हैं। पूर्व उत्तर दिशा बड़े झाड़ों के लिए नहीं है, ये लॉन के लिए जगह है, बगीचा बनाइएगा, और यहाँ लगने वाले जो पौधे हैं उनकी जो है यहाँ पर नॉर्थ में पूर्व में भी उनकी जो है ऊँचाई है, पर कंपाउंड वाल के आसपास होना चाहिए। कंपाउंड वाल नॉर्मल 5-6 फिट की होती है आरडी, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा 1-8 फिट की ऊपर हो जाए अलग बात है, पर ध्यान रखिए झाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे अशोक का ट्री लगा दिया लाइन से, आपको लग तो अच्छा रहा है पर आपके घर का वास्तु बिगड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात कि आपको यदि लैंडस्केपिंग कराते हैं, बहुत से लोग आजकल शौक होता है कि लैंडस्केपिंग करा ली, किस तरह कोई फाउंटेन माउंटेन, जैसे यहाँ रास्ता है तो यहाँ पर कोने फ्रंट में थोड़ा ऊंचाई दे के और फाउंटेन माउंटेन लगा लिया, उसके लिए गड्ढा बना दिया। तो देखिए ये जो करना है, ये जो है आपका घर यदि बड़ा और आपके पास साउथ वेस्ट में जगह, तो यहीं करिएगा बस, इसके अलावा कहीं मत करिएगा, नॉर्मल रखिएगा इसमें। यहाँ पर लैंडस्केपिंग को ऊँचाई मत दीजिएगा, क्योंकि इसकी ऊँचाई होने से ये हिस्सा और ये हिस्सा नीचे हो जाते हैं। ये हिस्सा तो नीचे अच्छी बात है, पर ये 2 हिस्से नीचे हो जाते हैं, इसकी तुलना में तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आपने पूरा का पूरा घर बना रखा है और उसे उत्तर में जगह आपके पास पड़ी है खाली, जिस पर आपको लॉन बनाना है, और ये ऑलरेडी घर आपका ऊँचा है, 2-2.5 फीट ऊँचा बना रखा आपने पूरा घर, अब आपके पास यह जगह काफ़ी है, तब यहाँ बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उस स्थिति में क्या होगा कि ये घर में ऑलरेडी ऊंचाई है, ये इससे ऊंचा बन रहा है, नॉर्थ इससे ऊंचा बन रहा है तो चलेगा। एक पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर वो जो पानी आगे इकट्ठा होता है फिर फाउंटेन में जाता है, वो है वो ज़मीन के ऊपर बनेगा, ज़मीन के नीचे नहीं बनेगा। कोई यहाँ गड्ढा बन गया तो इससे ये इससे नीचा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर। दूसरा,
घर के आगे जो होता है सीढ़ियाँ होती हैं, दो तीन स्टेप जिससे ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर कभी भी आप जो है मतलब नुकीले जो नोक वाले पौधे मत लगाइएगा, या वो पौधे लगाइएगा जिसमें फूल आते हो, नहीं भी आते हो तो चौड़े पत्ते वाले लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि आप आज के आपके हालात अच्छे हैं और आपने बहुत अच्छा मकान बनाया है और बहुत अच्छा बगीचा वगीचा बना लिया, वास्तु हिसाब से बना लिया, ठीक है ना, तो वो तो होगा क्या कि कल यदि आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं, करने की स्थिति में नहीं है, और आपके यहाँ बेतरतीब झाड़ियाँ उग रही हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ सूख रही हैं, गिर रही हैं, पत्ते गिरे हुए हैं, बेतरतीब तरीके से उड़ रही हैं झाड़ झाड़ियाँ, तो ध्यान रखिए यदि ऐसी स्थिति बन जाती है घर में तो आज अच्छा था, पर जब वो स्थिति बनती है तो उस घर के लोगों में मानसिक कमजोरी आने लगती है। एक ऐसे लोग जिनके घरों की ये स्थिति बन जाती है वो अपने दोस्तों की मित्रों की चालाकियों के शिकार होते रहते हैं और गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। यदि आज आपके हालात अच्छे हैं तो आप बनाइए, बहुत अच्छा बनाइए, पर ये ध्यान रखिए क्या आपके हालात हमेशा इतने अच्छे रह पाएंगे, क्या आप मेंटेन कर पाएंगे बगीचों को, अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, लॉन को मेंटेन कर पाएंगे फ्यूचर में भी, तो ही बनाइएगा, नहीं तो उतना ही बनाइए जो सहजता से आपका परिवार आप कर सके। यदि आपको इसके लिए पता लगे कि दो तीन माली लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है और आज आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, माली नहीं आ पा रहे हैं, तो बेतरतीबी हो जाएगी, तो मत बनाइए, मत करिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। कोशिश करिए कि बेल जो पहाड़ी चढ़ते हैं ऊपर, मतलब बेल होती हैं, वो यहाँ कंपाउंड में लगा दीजिए, ठीक है, पर घर के कंपाउंड इसमें मत लगाइए, कि उसके सारे जो रेंगना जीव जंतु ऊपर चढ़ते हैं वो अच्छी बात नहीं, नुकसान हो सकता है उससे, ठीक है ना, कई बार जहरीले भी होते हैं वो लोग। हाँ, मनी प्लांट आप घर के अंदर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मनी प्लांट रहेगा घर के अंदर तो उसके लिए मिट्टी चाहिए, उसे पानी में होता है, उग जाता है, उससे कोई बाहर का जीव जंतु आ नहीं सकता है, कोई रेंगने वाला कीड़ा आ नहीं सकता, तो आप लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूध वाले पौधे मत लगाइएगा, दूध वाले पौधे ना, उनका दूध दूध नॉर्मली जहरीला होता है, तो कोई बच्चे हैं कुछ हैं तो वो जो है उसके दूध उनके हाथ में लग जा कर जाए, कोई तोड़े करे, बच्चे हैं खेलते हुए, आँख में लगाते तो आँखों में नुकसान हो सकता है। कैक्टस आप लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि कैक्टस का नुकसान से भी वास्तु में कोई दिक्कत नहीं, आप कैक्टस जितने चाहे पूरा घर कैक्टस का बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर में छोटे बच्चे होते, कई बार होता है गिरे करें तो उसके जो कांटे होते हैं वो चुभ सकते हैं, नुकसान हो सकता है शरीर को, ठीक है ना, तो इसलिए कैक्टस अवॉइड किया जाता है, पर वास्तु में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपका पास यदि पूरी बड़ी जगह है तो आप बड़े झाड़, तो मैंने बताया इधर लगा सकते हैं, इधर लॉन जैसा बनाना है, इसमें ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई वाले पौधे नहीं लगाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक दूसरी बात दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि मैं इसमें जैसे जानकारी दे सकता, सब विषयों पर अलग अलग जानकारी दे रहा हूँ आपको, पर ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में डिटेल बता पाना यूट्यूब पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, एक तो पूरी किताब इसी के ऊपर है, वो नए नए आर्टिकल में जुड़ रहे हैं तो उस किताब में जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो किताब में अवेलेबल हैं तो आप पढ़ी पढ़ी जिनने किताबें मंगा रखी पढ़ ही रहे होंगे। अब जैसे सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट आया है उसमें महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर, उसकी संसद भी गलत बन रही है, मतलब वास्तु हिसाब से सही नहीं बन रही। इसके अलावा जैसे काशी विश्वनाथ बनारस कॉरिडोर, तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा दो दोष आ गए हैं जिसके कारण वह विवाद की स्थिति बनेगी, ये मैंने फरवरी में आर्टिकल लिख दिया था, उसके बाद ज्ञान व्यापी शुरू हो गया। अमरनाथ यात्रा में इस बार जो है हादसा हुआ, केदारनाथ में हादसे होते रहते, तो केदारनाथ अमरनाथ में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, तो ऐसा क्या है कि वहाँ हादसे होते रहते हैं और सदियों से होते आ रहे हैं, हादसे आज नहीं हो रहे, सदियों से केदारनाथ और अमरनाथ में हादसे होते रहते हैं जिनमें जान माल का नुकसान होता रहता है। इस तरीके से बहुत से, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन की क्या स्थिति बनेगी, चीन ताइवान की स्थिति में क्या बनेगी, इस तरह बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूट्यूब के उसका देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होंगे मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार।